खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने जंगी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। और ये जंगी प्रदर्शन क्या है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी। साहू जी, सबसे पहले ये जानेंगे कि जंगी प्रदर्शन क्या है और हल्ला बोल किस लिए? प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ और बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा हल्ला बोल का प्रदर्शन है इस प्रदेश सरकार के खिलाफ। और एक प्रदेश के युवाओं के भीतर एक आक्रोश है, उस आक्रोश की आवाज़ बनने जा रहा है भारतीय जनता युवा मोर्चा। एक युवाओं के अधिकार की बात इस सरकार से, इस गूंगी और भैरी सरकार से करने जा रही युवा मोर्चा। 24 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के माननीय तेजस्वी सूर्या जी भी इस आंदोलन का नेतृत्व करने आ रहे हैं और 1 लाख की संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास का घेराव करेंगे। हम लगातार आप लोग ये कहते रहे कि झूठे आंकड़े पेश किए गए, झूठे आंकड़े में क्या कुछ झूठा है ये सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पर्सनल, एक निजी संस्था से सर्वे करा के अपने आप की झूठी वाहवाही ली। 0.6% बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में रह गई बताया उन्होंने। अब जब 61 पद के लिए अगर आवेदन निकल रहे हैं छत्तीसगढ़ में तो 61,000 आवेदन आ रहे हैं, तो क्या ये बेरोजगारी नहीं दिखता? 98 पद के लिए अगर कोई शासकीय नौकरी का पद निकल रहा है तो उसके लिए 98,000 आवेदन आना छत्तीसगढ़ के लिए, क्या ये दर्शाता नहीं कि बेरोजगारी है? झूठी सरकार है, झूठे इसके वादे हैं, झूठे इसके बात है, झूठे आंकड़े। और झूठे आंकड़े भी इस कदर में बता दूं कि इन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक कथन कहा था कि हमने पूरे प्रदेश भर में 5 लाख नौकरियां दी और इसकी बड़ी वाहवाही भी इन्होंने बटोरी, वाहवाही और सुर्खियां भी बटोरी। पूरे प्रदेश भर में 5 लाख नौकरियां दी करके हमने पोस्टर इन्होंने लगाया कि सरकार ने 5 लाख नौकरियां दी। जब हमारे प्रदेश के विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष बृजमोहन अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, नारायण चंदेल जी, शिवरतन शर्मा जी, अन्य जितने भी भाजपा के विधायकों ने प्रश्न किया कि भाई आपने 5 लाख नौकरी देने का पोस्टर पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में लगाया है, तो आप इसका स्पष्टीकरण दें कि किस जिले में कितनी नौकरियाँ दी, किस विभाग में कितनी नौकरी दी और कहाँ कहाँ कितनी नौकरियाँ दी। तो ये सरकार के पास विधानसभा के रूप में आंकड़े के प्रारूप में इन्होंने 18,000 नौकरियां हमने सरकारी नौकरी दी, इसका जो है वर्णन विधानसभा में किया। तो ये सरकार पूरी की पूरी झूठ के पुलिंदे पर टिकी हुई सरकार है और इस झूठ के पुलिंदे को तोड़ेगा भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 को हल्ला बोल आंदोलन करके। रूपरेखा कैसे रहेगा आंदोलन का, ये सबसे आखिरी सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तमाम सभी जिम्मेदारियों के साथ लगे हुए हैं इस आंदोलन को भव्य ही नहीं एक महा आंदोलन का रूप देने के लिए। पूरा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ शीर्ष नेतृत्व तो भी लगा है और पूरा इस कार्यक्रम को लेकर लगातार सभी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कोने कोने से रायपुर में कैसे पहुँचे इसकी भी रूपरेखा पूरी बड़े नेता सब हम सब मिलकर साथ में बना रहे हैं और ये आंदोलन इतना भव्य होगा। स्वयं इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के श्री तेजस्वी सूर्य जी आ रहे हैं और एक आक्रामक आंदोलन छत्तीसगढ़ की इस भूमि पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक आक्रामक तौर पर, आक्रामक रूप पर यह आंदोलन रहेगा और ये कहीं ना कहीं यह आक्रामक तेवर क्या बीजेपी के आने वाले समय में 2023 में बड़ा परिवर्तन लाएगा या नहीं लाएगा, ये तो सवालों के घेरे में है। लेकिन इस बार भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी ताकत झोंक दी है कि जो आंदोलन है उसको सफल बनाया जाए। कैमरा पर्सन अंकित दुबे के साथ आज नुकी सुरमा, रायपुर छत्तीसगढ़।